ये नेक्स्ट जो है ये आपके पास 13.9, इसके स्टेटमेंट बढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स आपके कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरड, दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास, उनकी कैपेसिटेंस फर्स्ट की आपके पास 6 माइक्रोफेरड एंड सी टू आपके पास है 12 माइक्रोफेरड। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 12 वोल्ट बैटरी विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट ए आपके पास कहते हैं कि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और सेकंड फाइंड द चार्ज इन क्यू, और थर्ड में आपने क्या फाइंड करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर्स यानी V1 और V2, ये फाइंड करना आपने। तो पहले आप सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो ये इसमें आपने जब भी कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का, 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 और 1/C2 प्लस 1/C2। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सी इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/12, 1/C इक्विवेलेंट इसका सिंपली 12, 1/C इक्विवेलेंट 3/12, 3 ones are 3, 4, 1/C इक्विवेलेंट 1/4, C इक्विवेलेंट जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइडों का, तो ये आपके पास 4 माइक्रोफेरड, ये आपके पास ए पार्ट। इसका बी पार्ट जो है वो आपने क्या फाइंड करना है, इसका चार्ज, बी इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्यू आपने फाइंड करने हैं, तो क्यू आपके पास है सी इक्विवेलेंट क्या आपके पास है 4 माइक्रोफेरड मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास 48 माइक्रोकूलम जो है ये आपके पास इसका चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, V1 और V2, C जो है V1 और V2 क्या होगा आपके पास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, और आपने फाइंड क्या करना है, V1 और V2, ठीक है। तो अभी आपने क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट है आपके पास इसकी C इक्विवेलेंट जो है, Q आपके पास जो चार्ज है उसका वो 48 माइक्रो कूलम है, और उसके बाद C1 आपके पास क्या है 6 माइक्रोफेरड। अगर V1 आपने फाइंड करना है तो V1 इज इक्वल Q/C, Q आपके पास चार्ज है इसका 48/, तो C है यहाँ पर क्या है, ये C1 है, C1 की वैल्यूज आपने पुट कर देनी है 6, तो 6 8 सा क्या हो जाएगा आपके पास 48, तो 8 वोल्ट जो है ये आपके पास V1। इसी तरह V2 किसके इक्वल होगा, Q/C2, तो V2 इज इक्वल 48/C2 आपके पास क्या है 12, इसको आप कैंसिल करेंगे 12 4 48, और ये आपके पास आ जाएगा इसकी V2 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 वोल्ट।